एलिमिनेशन पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कौन हुआ घर से बेघर। वेल, बिग बॉस में जो आया है उसने जाना भी है, और बुरा तो लगता है बाबू भैया, पर करे तो क्या करें, फिनाले अगले हफ्ते है, एलिमिनेशन तो होना बनता है। चार लोग नॉमिनेट थे यहाँ पर, मनीषा, जिया, जैड और अविनाश। डबल एलिमिनेशन की खबर सामने आई है, जिसमें से एक का एलिमिनेशन हो चुका है और वो है जैड। जी हाँ, जैड हडीट का हो चुका है एलिमिनेशन घर से, वो बेघर हो गए। साथ ही ऐसी भी खबरें हैं कि एक और एलिमिनेशन हुआ है, उसका नाम कंफर्म नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो मे भी ये अविनाश सचदेवी है जिनका दूसरा एलिमिनेशन होना है या फिर हुआ है, क्योंकि दूसरा एलिमिनेशन देखिए होगा। अगले हफ्ते शो का ग्रैंड फिनाले, कंटेस्टेंट इतने सारे हैं, समय कम है, तो जाहिर सी बात है एलिमिनेशन होगा, और उसके बाद एक मिड वीक एलिमिनेशन होगा। अगर पूजा टॉप फाइव में जाएंगी तो बेबिका का एलिमिनेशन होगा, अगर यहाँ पर पूजा नहीं जाती है तो हो सकता है कि बेबिका ना एलिमिनेट हो, पूजा हो। लेकिन मुझे जिस तरीके का पूजा का कॉन्फिडेंट लग रहा है अभी तक कि वो शो भी छोड़ करके नहीं गई, कोई उनको फेयरवेल भी नहीं दिया गया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो टॉप फाइव में जाने वाली है, उनको उनकी जर्नी वगैरह सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो हो सकता है कि यहाँ पर बेबिका को निकाला जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जेड का एलिमिनेशन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस एलिमिनेशन पर, खुश हैं, दुखी हैं, अपनी राय दीजिए। थैंक यू।